पंजाब की सबसे पुरानी रीजनल सियासत अकाली दल की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब की दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने मंगलवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। साथ ही 7 नेताओं को हल्का इंचार्ज की पोस्ट से भी हटा दिया गया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की कि पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। सीनियर लीडर बलविंदर सिंह मुंडर की अध्यक्षता वाली पार्टी की अनुशासन कमेटी ने बैठक में इस आशय का निर्णय लिया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाले गए 8 वरिष्ठ नेताओं में से गुरप्रताप सिंह वडाला, बीबी जागीर कौर, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, परमिंदर सिंह ढिंसा, सिकंदर सिंह मलुका, सुरजीत सिंह रखड़ा, सुरेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर और चरणजीत सिंह बरार शामिल हैं। इन सभी नेता बगावत करते हुए पार्टी चीफ सुखबीर बादल से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बलविंदर सिंह ने बताया कि आत्ममंथन के दौरान ये बात सामने आई कि इन 8 नेताओं ने पार्टी में फूट डालने और इसे कमजोर करने के लिए पार्टी के दुश्मनों के साथ सक्रिय रूप से मिलीभगत की थी। वरिष्ठ नेता ने ये भी कहा कि ये भी महसूस किया गया है कि इन नेताओं ने व्यापक साजिश के तहत जानबूझकर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि नेताओं को निष्कासित करने का फैसला सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद लिया गया था। उन्हें पार्टी फॉर्म में उनके मुद्दे पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। 26 जून की कार्य समिति की बैठक में भी प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें पार्टी फॉर्म में अपनी शंकाओं पर चर्चा करने की अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी अनुशासन सबसे पहले है, इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की सबसे पुरानी रीजनल सियासत अकाली दल की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब की दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने मंगलवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। साथ ही 7 नेताओं को हल्का इंचार्ज की पोस्ट से भी हटा दिया गया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की कि पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। सीनियर लीडर बलविंदर सिंह मुंडर की अध्यक्षता वाली पार्टी की अनुशासन कमेटी ने बैठक में इस आशय का निर्णय लिया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाले गए 8 वरिष्ठ नेताओं में से गुरप्रताप सिंह वडाला, बीबी जागीर कौर, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, परमिंदर सिंह ढिंसा, सिकंदर सिंह मलुका, सुरजीत सिंह रखड़ा, सुरेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर और चरणजीत सिंह बरार शामिल हैं। इन सभी नेता बगावत करते हुए पार्टी चीफ सुखबीर बादल से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बलविंदर सिंह ने बताया कि आत्ममंथन के दौरान ये बात सामने आई कि इन 8 नेताओं ने पार्टी में फूट डालने और इसे कमजोर करने के लिए पार्टी के दुश्मनों के साथ सक्रिय रूप से मिलीभगत की थी। वरिष्ठ नेता ने ये भी कहा कि ये भी महसूस किया गया है कि इन नेताओं ने व्यापक साजिश के तहत जानबूझकर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि नेताओं को निष्कासित करने का फैसला सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद लिया गया था। उन्हें पार्टी फॉर्म में उनके मुद्दे पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। 26 जून की कार्य समिति की बैठक में भी प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें पार्टी फॉर्म में अपनी शंकाओं पर चर्चा करने की अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी अनुशासन सबसे पहले है, इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।